जी अब तू कदे वारी उठाए कदे ना उठाए कदे तेरी आँख खुले कदे ना खुले अपना इन्हें तो कह दूँ मैं बोले ये व्यक्ति मने भी जगा ले तो तब नान उठो जब बहु वादा बोली कड़ी मोहल्ला किया था अंडे की माँ हाँ बोली बेटी मने भी जगा ले करो अकाचिया बुढ़िया भाई जगा लेगा पर क्या कह के जगा हूँ तो बता दे बोली मने कह दे करो खंडे की माँ बोली खंडे की माँ उठ ले कर तक ना ले पहली का नाम ले थी बड़ी बुढ़ी ना ले थी बड़ी बुढ़िया को नाम ना लेती ना ससुर को ना जेठ जेठा को नाम ना ले करती बोली मने खंडे की माँ कह दे करो बेटी खंडे की माँ कह के जगा दे करो बोले अच्छा माता जी जगा देना अब वो लड़की अपना रोज उठा कह दे ये फिर से खंडे की माँ अरे खंडे की माँ उठ ले का तक ना ले अब बुढ़िया रोज ना ले अब भाई बुढ़िया किसी ने सोची भाई खंडे तो भाई इसके तो फिर आसोला दे नूगा बुढ़िया के तो आसोला दे को क्या अरे तो नाम भी धरा क्या प्रभाव क्या को हाँ अब भाई बोलते तेरा मेरा में बात चलती चलती है रिश्तेदार अपना रिश्ता बढ़ेगा उसका और भाई रिश्ता वाला आने लग गया उसका तो बुढ़िया का तो बोले बुढ़िया खा तेरे रिश्ता लेकर आया तेरे छोरा को हम बोले तेरे रिश्ता तो कब लिया आया हो पर मेरा छोरा तो परदेश में रहे उधर रहे ना हाँ भोज में है वो तो बोले अक्का तो आ जाएगा तो मैं तो कुछ ना बता सकूँ अगर तुमने विश्वास है तो तुम्हारा कदल चकड़े टी लाऊँ अब उसका टिक्को कर जाओ किसी का बालक ना भी आया जाता तो ये पक्को सतपत हो तो कुम्हारा का तो चक्रेटी लिया जिसका बालक कुआ रहो और पूना में धर दे शनिवार नाम तो और दे दे एक महीना में दिक्कत रिश्ते नहीं आ गए अब मैंने क्या काम करो कुम्हार का चक्रेटी लिया जितने कुम्हारी हो अब ये वीडियो बब्बू जी ना बोल रही अब भाई क्या काम करो कुम्हार का चक्रेटी लिया कर बुढ़िया ने पूना में धर दी अब भाई रिश्ता अपना उस चकलेटी का टिक्को करवा लियो बुढ़िया ने तो बड़ी अकलबंद थी यार बहुत लिखड़ी बात हो अब आए छह महीना हुआ बोले हम तो रिश्ता तो कर दिया लेकिन हम तो ब्याह भी करांगा बुढ़िया माई बोली तो मेरा बेटा ने भी छुट्टी ना मिली है तुमने विश्वास हो तो चकलेटी तो फेरा जाओ नहीं देख उसी का लगन चढ़वा दियो चकलेटी फेरा दे जाई अब बहुत कह दी खूबसूतरी बहू आ गई बोली देख बेटी ना तो देख किसी का घर जावेगी अब बुढ़िया ने सोची अक्सीख तो भाई घटपटवा दे वह तो अपना चूल्हा प्याज ना बुझण दे पैंडा को पानी ना निमड़न दे बुढ़िया का ताकर वह तो अपना एक कमरा में रह बहू नहावे धोवे चौको बर्तन करे सासू को खानो बनावे और भाई अपना कमरा में बंद रहे अपने सारा दिन अब भाई एक दिन कर्म की वो परीक्षा भगवान ने ले ली उसकी जब वो टाइम खराब आवे तो कुछ ना कुछ तो अलचल बीच में हो जावे आवाज बुझ गई तो भाई वह पड़ोस संगे गई भाजी भाजी अगर मेरे सास आवगी उन्हें तो उसको नाश्तो बना के धरना है और आज तो मेरी सास आंख ना धर के गई अब बोली अके उड़ा आई आज वाली मेरा जैसी ठीक है बोली अके तू मुँह बता इसका घर में रह रही है और इस बुढ़िया का है भी बेटा तू मुँह ना रखी है क्या क्या देखा तुम देखो कि नगना फौज में जा रहा है तू बावली हो रही है फौज में जा रहा है आज तक तो गली मोहल्ला में किसी ने देखो ना इसको फौज से ही ना आया इसको बेटो बोली अग ना कह फौज में जा काज है ना कुछ मत बनावे जाकर और आसन पार्टी लेकर पड़ गया मैं तो जब बनाऊंगी जब तेरा बेटा आ लेगो हाँ भाई वह तो आई अपने घर तक ना कर बुढ़िया माई देखा तो झाड़ू की जगह झाड़ू पड़ी है कोचा की जगह कोचा पड़े हो और भाई ना चूल्हा माच और भाई वह तो आसन पार्टी लिए पड़ी अब बुढ़िया का धकते होगी अगला किसी की क्या गई थी आप तो ये कितने घर मात है ये वह मेरा जैसी बाजी बाजी गई अब ये बेटी ये बेटी आज क्या बात होगी तबियत ठीक ना से अब मतलब बुखार से क्या बात होगी आँख ना खुली अब माता जी मेरे से बात मत करो अब ना बेटी बता अब आपका बेटा कहाँ जब पूछ ही रही है तो ले बता दो सही बात बेटा तो बता आपका है कहाँ अब बेटी देख मेरा बेटा विश्वास करे तो है मेरे बेटे और वो जरूर आवे वो अब भाई बहन ने तो अपना बैला उला के दूसरे दिन वो पांच रहो थे पानी रहो मैंने फिर पड़ोस संग जाना मेरे जैसी के बोलिए के पूछी अब हाँ बेटो है इसका अब कितने बेटो था तू ऐसे कर जितना भी इसका सात कमरा सबकी ताली ले ले मार्केट बन जाएगी तू अब तेरा इस नाम चार लगा तेरा ही नाम रहे वो सब कुछ अब दूसरे दिन वो बेटा तो मिल गई वो ताली आ गई बात बोलिए अब बेटी आज क्या हुआ
अगर माँ मेरी तो सरदा ही ना असली ना मेरी तो अगर ना बेटी ऐसी तो बात बोले तू असली बात वा बता मैंने ये बात होगी तेरी गैर अगर मैं तो तेरे सारा कमरा की ताली देती हूँ जितना तेरे साथ कमरा सबकी चाबी चाहिए मुझे अब यहाँ चाबी दे दी गंगा जमुना हाँ दूसरा खोलो तो जीती उसमें धन तीसरा खोलो अन्न किसी में मतलब उसने तो विष्णु भगवान कर्तक नायकती पीपल सिंचे करती अब पीपल ना तो विष्णु भगवान को पास है लक्ष्मी को भी है धन को भी है आप कौन हो अग मैं हूँ बुढ़िया का बेटा अग आप बुढ़िया का बेटा हो भागवत पढ़ रहा गीता पाठ कर रहा अपने बोली अच्छा अगे बावली बैठा ना इसके अगर ना है और दूसरे दिन का तो उसकी जात बूझिए के जात है बोली देखो जी महाराज जब तुम इसका बेटा हो तो देखो मैं तो आपकी जात भी पूछू बोलो तू के लेगी जात बूझ कर मैं बुढ़िया को बेटे को बता दी के धरे बात में रहने दे बोली ना तेरी हट हो तो अपने जी हट को आ गई मैं तो तेरी जात बूझूंगी जात बूझूंगी बोलो चार तो जोड़ का किनारे चल जात बूझ जा तो मेरी अब वो ले गो रस्ता में कह मत बूझ जाए पिस्तावेगी बोली ना मैं तो बूझूंगी जात तेरी पानी का किनारे बोले मत बूझ जाए पिस्तावेगी रहने दे ना मैं तो जात बूझ के रहूंगी पानी बढ़ के बोले मत बूझ जाए अगना मैं तो बूझ के रहूंगी महाराज कर्तक महाराज जैसे विष्णु भगवान की